नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दिल्ली से लौट आए सीएम सुक्कू, कर्मचारियों के बाद अब पेंशनर को मिलेंगे पेंशन। डीए एरियर के संबंध में हो चुकी है बैठक। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू शनिवार को दिल्ली से लौट आए हैं। वह सोमवार को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में बैठक कर अधिकारियों के साथ विभागों की समीक्षा बैठकें लेने का सिलसिला दोबारा शुरू कर सकते हैं। आशा है कि वह कर्मचारियों को बैठक के लिए बुला सकते हैं। मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना से डीए व एरियर के संबंध में बैठक हो चुकी है। वे सरकारी कर्मचारियों को वेतन पहली तारीख को मिल गया था और पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान होना है। खुशखबरी, हिमाचल में 2039 शिक्षकों को दिवाली का तोहफा बढ़ी हुई सैलरी के साथ मिलेगा 6 महीने का एरियर। जी हां, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2039 व्यावसायिक यानी कि वैकेशनल टीचर शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी कर दिवाली का तोहफा दिया है। इन शिक्षकों को अप्रैल 2024 से 1200 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इसके साथ ही 6 माह का एरियर भी जारी किया जाएगा। बता दें कि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। 19500 रुपये का वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अब 20700 रुपये वेतन मिलेगा। मैं इस वेतन से ईपीएफ और ईएसआईसी भी कटेगा। मैं 21500 रुपये वेतन लेने वाले शिक्षक को 23700 रुपये वेतन मिलेगा। ऊना से दिल्ली आ रही वंदे भारत ट्रेन पर फिर पथराव, दो कोचों के टूटे शीशे, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, ऊना मुख्यालय के समीप पड़ते बसाल गांव में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैं पुलिस ने बसाल त्यूड़ी और पनो गांव में रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की है। मैं इसके अलावा रेल ट्रैक के समीप प्रवासी लोगों की बस्तियों में जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। मैं पुलिस ने आशंका जताई है कि पूर्व की भांति इस बार भी प्रवासी बच्चों ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया। बता दें कि शनिवार दोपहर करीब 1:15 बजे गांव बसाल के पास कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव के दौरान दो कोचों के शीशे टूट गए हैं जबकि दो पर पत्थरों के निशान पड़ गए हैं। हिमाचल में बिजली मीटर को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू, 31 अक्टूबर तक फटाफट करें आवेदन। जी हां, विद्युत बोर्ड ने उपभोक्ताओं के मीटरों को आधार कार्ड व परिवार नकल से जोड़ने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू कर दी है और इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। मैं बता दें कि विद्युत उपमंडल चढ़ी के सहायक अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि इस कार्य में उपभोक्ता सहयोग दें। मैं विद्युत मंडल नगरोटा बागवा के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता कमल चौधरी ने कहा कि अगर कोई उपभोक्ता किसी कारणवश घर पर उपलब्ध नहीं होता है तो वह दस्तावेजों को साथ लेकर 20 से 31 अक्टूबर तक विद्युत उपमंडल कार्यालय बड़ो टांडा एवं नगरोटा बागवा में आकर आधार कार्ड लिंक करवा सकता है। हिमाचल सरकार ने मजदूरों के कल्याण के लिए 32 करोड़ रुपए किए वितरित, सीएम सुक्कू का बयान। जी हां, प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य शनि मार्ग कामगार कल्याण बोर्ड यानी कि HPBOCW के माध्यम से श्रमिकों को 32 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह वित्तीय लाभ बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत पात्र 8883 कामगारों को वितरित किया गया। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने प्रेस को जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय लाभ जारी कर इनका कल्याण सुनिश्चित कर रही है। शिमला के होटल में बीफ लाने की शिकायत, मौके पर पहुंची पुलिस, नहीं मिला कोई प्रमाण। जी हां, शिमला शहर के एक होटल में बीफ लाने की शिकायत पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं प्रारंभिक छानबीन में पुलिस का दावा है कि होटल में जांच के दौरान बीफ होने के कोई प्रमाण नहीं मिले। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि लाल पानी के एक होटल में काम करने वाले कर्मचारियों ने पुलिस को शिकायत दी थी कि विशेष समुदाय के युवक होटल में बीफ लाते हैं। मैं इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम हरकत में आई और होटल में पहुंची। मैं इस दौरान पुलिस ने होटल में छानबीन के साथ ही होटल के संचालक और कर्मचारियों से पूछताछ भी की है, लेकिन अभी तक की जांच के दौरान होटल में बीफ मिलने के कोई प्रमाण नहीं मिले। मैं सदर पुलिस ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी दर्ज की है। मैं पुलिस से गौमांस की शिकायत के साथ ही यह भी जांच कर रही है कि कहीं शहर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए इस तरह की अफवाह तो नहीं उड़ाई गई है। वहीं मामले को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दो युवक गौशाला में गाय से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री सुक्कू बोले टापरी में बनेगा जियो थर्मल तकनीकी से विश्व का पहला सीए स्टोर। जी बागवानी प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। वहीं बागवानी के विकास में हिमाचल प्रदेश ने देश में अपनी पहचान बनाई है। बता दें कि वर्तमान में राज्य में लगभग 234 लाख हेक्टेयर भूमि पर बागवानी की जा रही है। वह इससे लगभग 5000 करोड़ रुपए की औसत वार्षिक आय होती है। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 9 लाख लोगों को रोजगार देता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कहा कि उद्यान विभाग ने इस बार बागवानों के लिए सेब की 8 नई किस्मों के पौधे तैयार किए हैं। वहीं नर्सरी मैनेजमेंट सोसाइटी ने विभाग की 93 पौधशालाओं में 76 किस्मों के लगभग 6 लाख पौधे तैयार किए हैं। इनमें 32 किस्में सेब की हैं। बीते वर्ष विभाग की ओर से 4 लाख पौधे तैयार किए गए थे। बता दें कि बागवानों को इस बार ए ग्रेड गुणवत्ता वाले पौधे दिए जाएंगे। ए ग्रेड में 4 श्रेणियों होंगी। ऐसा पहली बार है कि उद्यान विभाग ने ग्रेडिंग सिस्टम खत्म कर केवल ए ग्रेड के ही पौधे बेचने का फैसला लिया है। सुक्कू ने कहा कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत बागवानों को लाभ पहुंचाने तथा उनकी आय में वृद्धि करने के मद्देनजर पूरे प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन और सेब को प्रति रुपये किलो की दर से खरीदने की व्यवस्था लागू की गई है। डिप्टी सीएम ने की ऊना में मेडिकल कॉलेज खोलने की वकालत। दिल्ली में जेपी नड्डा से की मुलाकात। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क की प्रगति के बारे में चर्चा की और उन्होंने बल्क ड्रग पार्क के लिए अतिरिक्त राशि के लिए बजट मुहैया करवाने के बारे में भी अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री ने बल्क ड्रग पार्क के लिए राज्य को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। उन्होंने इस दौरान ऊना के प्रस्तावित पीजीआई सैटेलाइट सेंटर को भी गति प्रदान करने का आग्रह किया और कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहयोग इस प्रोजेक्ट में किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बोले टॉयलेट टैक्स के बाद अब सरकार लाई खेल खिलाड़ी टैक्स योजना। जी हां, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि खेल के मैदानों और खेल के सामानों के इस्तेमाल के लिए सरकार द्वारा पैसे की मांग को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि टॉयलेट टैक्स के बाद अब सरकार खेल खिलाड़ी टैक्स योजना लेकर आई है, जिसके तहत खेल और खिलाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा रही है। वह सरकार की तरफ से प्रदेश के लोगों पर हर दिन किसी न किसी तरह का टैक्स लादा जा रहा है। मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी राज्य की परिभाषा भूल चुके हैं। मैं एक एक कर हर वर्ग को परेशान करने के बाद अब मुख्यमंत्री की सुई अब प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों पर आकर रुक गई है। मैं एक तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार खेलो इंडिया के तहत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल हजारों करोड़ों का अतिरिक्त बजट खर्च कर रही है। मैं दूसरी तरफ कांग्रेस से नीत सुक्कू की सरकार हिमाचल में खेल और खिलाड़ियों पर टैक्स लगाकर उन्हें प्रदेश की आय का साधन बनाना चाह रही है। मैं इसके पहले भी सुक्कू सरकार अंडर 12 के टूर्नामेंट के आयोजन पर भी रोक लगा चुकी है। मैं खेलों को सुक्कू सरकार हर स्तर पर हतोत्साहित करना चाहती है। मैं खेलों के प्रति सरकार का यह दृष्टिकोण शर्मनाक है। धर्मशाला में 2 जगह फटे बम। 22 कैजुअल्टी एजेंसियों ने संभाला मोर्चा। जिला मुख्यालय धर्मशाला में रविवार दोपहर बाद 2 जगह बम फटने से 22 कैजुअल्टी हो गए। दोपहर बाद आतंकी घटना की सूचना मिलने के बाद कांगड़ा पुलिस से SDRF और NSG ने मोर्चा संभाल लिया। मौके पर पहुंचकर एजेंसियों ने मौके पर स्थिति को संभाला। बता दें रविवार को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ पुलिस से SDRF CID और अन्य जांच एजेंसियों ने आतंकी घटना से निपटने के लिए अभ्यास का आयोजन किया गया। मैं धर्मशाला मैक्लोडगंज में इस अभ्यास के लिए 6 स्थानों का निर्धारण किया गया। मैं दोपहर बाद करीब 2 बजे आयुर्वेदिक अस्पताल धर्मशाला में हमले की सूचना मिली। मैं जिस पर राहत एवं बचाव कार्य तथा जांच के लिए टीमें मौके पर पहुंची। इसी दौरान गांधी चौक में भी हमले की सूचना मिली। मैं इस दौरान NSG और पुलिस तथा अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जर्मनी रशियन भाषा सीखने में बढ़ा क्रेज। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए इतने विद्यार्थियों ने किया आवेदन। हिमाचल के युवाओं में विदेशी भाषाओं को सीखने का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि HPU में शुरू किए गए 26 शॉर्ट टर्म कोर्सों में सबसे ज़्यादा रुचि विद्यार्थियों ने जर्मन और रशियन भाषा को पढ़ने में दिखाई है। पंचायत तकनीकी सहायकों को न्यूनतम वेतन देने के हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक। जी हिमाचल प्रदेश में पंचायत तकनीकी सहायकों को न्यूनतम वेतन देने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और इस पर 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला शुक्रवार को सुनवाई के लिए लगा था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इन्हें न्यूनतम वेतन देने और नियमित करने के निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक के
यह आदेश स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम मोहित लाल एसएलपी पर दिए। मैं इस पर सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइया की खंडपीठ ने की। SCERT डाइट में साक्षात्कार से नियुक्त होंगे शिक्षक, कुल 50 अंकों से किया जाएगा चयन। जी, हिमाचल प्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT सोलन और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट में अब साक्षात्कार के आधार पर शिक्षक नियुक्त होंगे। मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक नेतृत्व सुनिश्चित करने को सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है। बता दें कि शैक्षणिक योग्यता, विशेष अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर कुल 50 अंकों से शिक्षकों का चयन किया जाएगा। देखिए, पहली नियुक्ति में अधिकतम 5 साल से ज्यादा कार्यकाल नहीं होगा। मैं 2 साल बाद फिर यहां नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्र होंगे। मैं दूसरी बार का कार्यकाल 3 साल से अधिक नहीं होगा। मैं अभी तक सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए ही इन दोनों संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्तियां होती रही है। बिलिंग से टेंडम उड़ान भरने वाला पायलट और पर्यटक घायल, शनिवार रात को हुए थे लापता। जी हां, शनिवार दोपहर बाद बिलिंग से टेंडम उड़ान भरने वाले बीड़ के पायलट अजय कुमार उम्र 35 वर्षीय क्लाइंट योगेश पांडे के साथ संसाल के थाथी गांव में लैंड कर गए। मैं घटना में दोनों को चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि महाराष्ट्र के थाने के योगेश ने पायलट अजय के साथ बिलिंग से टेंडम उड़ान भरी और क्योर के लैंडिंग साइट पर लैंड करने के बजाय बैजनाथ से 10 किलोमीटर दूर थाथी गांव में लैंड किया। मैं चोटिल होने के कारण वह देर शाम तक बीड़ नहीं पहुंच सके। इसके बाद रेस्क्यू टीम भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। दोनों ही लोगों ने शनिवार रात पहाड़ी पर ही बिताई। वहीं रविवार सुबह 8 बजे के करीब अजय ने अपने साथ घटित हुई घटना की जानकारी बीड़ में बचाव दल और पुलिस को दी। इसके बाद दोनों रेस्क्यू कर उपचार के लिए बैजनाथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में दोनों की टांगों में चोट आई है। मैं DSP अनिल शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। मानहानि मामले में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को हिमाचल हाईकोर्ट से बड़ी राहत। जय प्रदेश उच्च न्यायालय ने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश कुमार धर्माणी के खिलाफ चल रहे मानहानि आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। बता देखिए, 11/9/2017 को उक्त मामले में JMFC कोर्ट नंबर 12 घुमारवी ने प्रार्थी के खिलाफ प्रोसेस जारी करने के आदेश पारित किए गए थे, जिसे प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने धर्माणी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए इस मामले से संबंधित तमाम कार्यवाही को रद्द करने का निर्णय सुनाया। मैं कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि कथित मामला धारा 499 में दर्शाए अपवादों के दृष्टिगत मानहानि के अपराध के दायरे से बाहर है। मैं तकनीकी आधार व आरोप की प्रकृति के दृष्टिगत भी निचली अदालत के आदेश में खामियां पाई गई, जिन्हें प्रोसेस जारी करने से पहले कानूनी तौर पर जांचना परखना अति आवश्यक था। मैं कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष मामले में कार्यवाही को आगे जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। पहले दूसरे में क्या सिखा चलेगा पता, शिक्षा विभाग पहली बार करेगा। जी हां, समग्र शिक्षा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों का बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान असेसमेंट शिक्षा विभाग करेगा। वह पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों का यह असेसमेंट 7 और 8 अक्टूबर को किया जाएगा। बता दें कि असेसमेंट को लेकर एक ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन शनिवार को किया गया। मैं इसको समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने संबोधित किया। मैं इसमें समग्र शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रदेश के स्कूलों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। मैं राजेश शर्मा ने शिक्षकों को असेसमेंट सर्वे की उपयोगिता पर बल देते हुए शिक्षकों को इससे संबंधित जरूरी निर्देश दिए। मैं राजेश शर्मा ने कहा कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान बच्चों की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण आधार है। वे बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हो, इसके लिए हिमाचल में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में एक क्लिक पर मिलेगा लापता हुए लोगों का डाटा। जी हां, हिमाचल प्रदेश में फॉरेंसिक विंग में बरसात सहित अन्य आपदाओं में खो जाने वाले लोगों को खोजने के लिए डिजास्टर विक्टिम सेल बनाया गया। मैं फॉरेंसिक विभाग की ओर से डिजास्टर विक्टिम सेल में गुमशुदा व खो जाने वाले लोगों का डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है। मैं इसके तहत फॉरेंसिक के पास मामले पहुँचने पर DNA सहित अन्य डाटा के मिलान से परिवार की जानकारी मिल रही है, जिससे कई परिजनों को खोजने में मदद मिल पाई है। बता दें कि फॉरेंसिक साइंस विभाग की ओर से प्रदेश में होने वाली लगातार आपदाओं, घटनाओं व बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए डिजास्टर विक्टिम सेल तैयार किया गया, जिसमें आपदाओं के समय दबने व बह जाने वाले लोगों का डाटा एकत्रित करके रखा जा रहा है। मैं इसके बाद व्यक्तियों व उनके शवों को खोजने के लिए लगातार सरकार, पुलिस व NDRF SDRF की ओर से विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन आपदाएँ अत्यधिक भयंकर होने के कारण शवों तक का कोई सुराग नहीं मिल पाता है।
प्रदेश के मेडिकल कॉलेज टीचर्स की छुट्टियां पर चलेंगी कैंची। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग फैकल्टी को दी जाने वाली छुट्टियां कम हो सकती है। मेडिकल टीचर्स को हर साल समर और विंटर्स में ये वैकेशन मिलती है। बता दें कि राज्य सरकार को लग रहा है कि वैकेशन शेड्यूल लंबा रहने के कारण मरीजों पर इसका असर पड़ रहा है, इसलिए इस शेड्यूल में युक्तिकरण की जरूरत है। मैं इसी जरूरत को देखते हुए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने हाल ही में सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और एसोसिएशन से सुझाव लिए। यह बैठक ऑनलाइन की गई। बैठक के बाद राज्य सरकार की तैयारी को समझते हुए छुट्टियों में कटौती के विरोध में मेडिकल कॉलेजों में प्रदर्शन शुरू हो गए। वहीं IGMC और अस्पताल में भी विरोध आजकल चल रहा है। मैं स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स यानी सेमडी कोर्ट ने IGMC की प्रिंसिपल को इस बारे में एक ज्ञापन भी दिया है। अब पंचायत सचिव जारी करेंगे जीवन प्रमाण पत्र। जी, हिमाचल प्रदेश के अंदर पेंशन भोगियों के जीवित स्थिति प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट को सत्यापित करने हेतु अब पुनः ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों को अधिकृत कर दिया गया है। बता दें कि 26 सितंबर 2022 को कोष लेखा एवं लॉटरीज हिमाचल प्रदेश के निदेशक रोहित जम्बाल ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की थी, जिसमें पेंशन भोगियों के जीवित स्थिति प्रमाण पत्र को जारी करने की शक्तियाँ पंचायत सचिवों को प्रदान की गई थी। इस अधिसूचना का हवाला देते हुए अब हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक के केवल शर्मा ने प्रदेश के समस्त अतिरिक्त उपायुक्तों व एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अधिकारियों को प्रेषित पत्र में कहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के पेंशन भोगियों के जीवित स्थिति प्रमाण पत्र को सत्यापित करने हेतु पंचायत सचिवों को अधिकृत किया गया। वह पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के समस्त प्रधानों, समस्त पंचायत सचिवों के अलावा जिला परिषद के अधीन कार्यरत समस्त पंचायत सचिवों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। हिमाचल प्रदेश पंचायत सचिव संघ के राज्य अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने जारी दिशा निर्देशों की पुष्टि की है। कुल्लू में बढ़ाई गई इजराइल नागरिकों की सुरक्षा। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण लिया फैसला। जी हाँ, ईरान लेबनान इजराइल के बीच बीते दिनों बढ़ रहे तनाव के चलते इसका असर अब अन्य देशों में रह रहे इजराइल के नागरिकों पर भी पड़ रहा है। मैं अक्टूबर माह में इजराइल के नागरिकों के कुछ प्रमुख त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुल्लू पुलिस ने भी कसोल और मनाली में इजराइल नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है, ताकि इजराइल के लोग सुरक्षित महसूस कर सके। बता दें कि अक्टूबर माह में इजराइल कुछ त्यौहार भी मनाते हैं। इस दौरान सभी इजरायली नागरिक एक जगह पर एकत्रित होकर इन त्यौहारों को मनाते हैं। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के कसोल और पर्यटन नगरी मनाली में भी इन दिनों 300 से अधिक इजरायली नागरिक ठहरे हुए हैं। हालांकि ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते हुए तनाव को ध्यान में रखते हुए अधिकतर इजरायली नागरिकों ने अपने वतन का रुख कर लिया है, लेकिन अभी भी कई इजरायली नागरिक यहां पर ठहरे हुए हैं। कुल्लू पुलिस ने इन जगहों पर गश्त को लेकर पुलिस बल की संख्या को बढ़ाया, ताकि इजरायली नागरिक शांति पूर्ण तरीके से अपने उत्सव को मना सके। कंगना को पंजाबी गायक जसबीर सिंह जस्सी ने दे डाली खुले आम धमकी। जब बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं, वह अपनी बेबाकी के कारण ही वो कई बार दूसरों के निशाने पर भी रहती हैं। अब पंजाब के मशहूर पॉप सिंगर जसबीर जस्सी ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत को खुली धमकी दी है। उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सरेआम एक्ट्रेस की आलोचना की और पंजाब के खिलाफ कुछ भी बुरा न बोलने की चेतावनी दी। वह पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे अब यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि क्योंकि वो पंजाब को बहुत अधिक निशाना बना रही है। वह एक बार दिल्ली में मेरी कार में मेरी और मेरी दोस्त के साथ नशे में धुत हो गई थी और उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। उसने जितनी मात्रा में शराब और नशीली दवाओं का सेवन किया है, मुझे नहीं लगता है कि किसी और ने ऐसा किया होगा। अगर उसने पंजाब के बारे में बात करना बंद नहीं किया तो मैं उसकी सारी कहानियां उजागर कर दूंगा। वह सार्वजनिक रूप से किसी महिला का नाम नहीं लेना चाहते और उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहते, लेकिन पंजाब के खिलाफ उनकी टिप्पणियां और तंज अब नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। मैं जिन पर कार्रवाई होना जरूरी है, मैं जितना नशे का प्रचार कंगना ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। मुख्यमंत्री सुक्कू बोले, इस वर्ष अब तक 1545 मीट्रिक टन सेब जूस कंसंट्रेट का रिकॉर्ड उत्पादन। जी हाँ, मुख्यमंत्री सुखमंदिर सुक्कू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम ने 4 अक्टूबर 2024 तक अपने 3 संयंत्रों में रिकॉर्ड 1545 मीट्रिक टन सेब जूस कंसंट्रेट का प्रसंस्करण किया। उन्होंने कहा कि इसमें शिमला जिले के पराला संयंत्र ने 814 मीट्रिक टन, सोलन जिले के परमाणु संयंत्र ने 653 मीट्रिक टन और मंडी जिले के जरोल संयंत्र से 78 मीट्रिक टन शामिल है।
विभाग के लिए अक्टूबर से दिसंबर माह तक 28 शुभ मुहूर्त, नवंबर में सबसे ज्यादा 15 दिन शुभ। जी, शादी समारोह, धार्मिक कार्यक्रम करवाने या खरीदारी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिसंबर तक 28 शुभ मुहूर्त आ रहे हैं। नवरात्र से शुभ मुहूर्त शुरू हो गए हैं जो 11 दिसंबर तक रहेंगे। पितृपक्ष में मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए अब नवरात्र के साथ ही शुभ कार्य होने शुरू हो गए हैं। नवरात्र में विवाह के लिए वर या कन्या को देखना, वाहन खरीदारी, सोने चांदी की खरीदारी करने शुभ होती है। इस साल अक्टूबर से 11 दिसंबर तक 28 दिन विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। मैं इन शुभ मुहूर्त में वर और कन्या की कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। बता दें कि राम मंदिर के पुजारी पंडित रमेश ने बताया कि अक्टूबर में 6, 7, 11, 12, 20, 21, 26, 27 और 28 अक्टूबर को विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। इसके साथ ही नवंबर महीने में सबसे अधिक 15 दिन विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। मैं नवंबर में 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 की तिथि विवाह के लिए शुभ है। मैं दिसंबर में 4 ही दिन विवाह के योग्य बन रहे हैं। धौलाधार की पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और धार्मिक नगरी धर्मशाला की धौलाधार पर्वतमाला पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी के साथ ही क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट आई है, मैं जिससे ठंड का असर तेज हो गया। मैं धौलाधार पहाड़ों पर हुई इससे पहले हिमपात ने पूरे क्षेत्र में सर्दियों की दस्तक दे रही है। मैं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की चादर बिछ गई है, मैं जिससे नज़ारे बेहद खूबसूरत हो गए। मैं बर्फबारी के कारण पर्यटन गतिविधियों में भी तेजी आई है और देश भर से पर्यटक इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए धर्मशाला और आसपास के क्षेत्र में पहुंचने लगे हैं। मात्र 100 रुपये में बनवाए NCMC कार्ड, HRTC ने शिमला के 3 प्रमुख मंदिरों के बाहर लगाए विशेष काउंटर। जी, हिमाचल पथ परिवहन निगम ने यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब शिमला के लोग बिना इंटरनेट के भी HRTC बसों में किराए का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए HRTC ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC की सुविधा शुरू की है। बता दें कि नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए HRTC ने शिमला के 3 प्रमुख मंदिरों, तारा देवी मंदिर, मंदिर और संकट मोचन मंदिर के बाहर विशेष काउंटर लगाए हैं। इन काउंटरों पर लोग मात्र 100 रुपये में NCMC कार्ड बनवा सकते हैं। यह सुविधा 9वीं तक उपलब्ध रहेगी। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, हरमनप्रीत की कप्तानी पारी। जे महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। मैं दुबई में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 105 रन बनाए। इस तरह भारत को जीत के लिए 106 रन की दरकार थी। मैं जवाब में भारतीय टीम ने विकेट 4 खोकर जीत हासिल की है। मैं टीम इंडिया की वर्ल्ड कप में ये पहले जीत है। मैं शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिक्स ने शानदार बल्लेबाजी की। बता दें कि 106 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को पहला झटका 18 के स्कोर पर लगा, जब मंधाना 7 रन बनाकर आउट हो गई। लेकिन इसके बाद शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिक्स ने दूसरे विकेट के लिए 43 रन जोड़ टीम को मजबूती दी। मैं शेफाली 35 गेंद में 32 रन और जेमिमा 28 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुई। मैं कप्तान हरमनप्रीत कौर 29 रन बनाकर रिटायर हट हुई। वे भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 108 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीता। कुल्लू शिमला में 6 युवक हेरोइन के साथ गिरफ्तार, इतना चिट्ठा हुआ बरामद। जे नशा तस्करों पर कुल्लू पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस की टीम ने 2 युवकों के कब्जे से 50 ग्राम हेरोइन बरामद की है। वे पुलिस ने हेरोइन को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बागवानों को सस्ते रेट पर मिलेंगे खाद और कीटनाशक, HPMC ने लाभ मार्जिन 15% से घटाकर 9% किया। जी, हिमाचल में सेब और अन्य फलों की पैदावार से बागवानों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए सरकार ने एक और पहल की है। बागवानों को फल उत्पादन से अधिक कमाई हो इसके लिए सरकार ने बगीचों में डाली जाने वाली खाद, फूल और फलों को कीड़ों से बचाने के लिए पौधों में किए जाने वाले कीटनाशक छिड़काव के रेट कम किए। मैं इसके लिए HPMC ने अपने लाभ मार्जिन को 15% से घटाकर 9% किया। ऐसे में अब बागवानों को सस्ते रेट पर खाद और कीटनाशक उपलब्ध होंगे। वहीं सरकार ने बागवानों को खराब हुए सेब से लाभ पहुंचाने के लिए 3 संयंत्रों के माध्यम से 1545 मीट्रिक टन सेब जूस कंसंट्रेट का प्रसंस्करण किया है, जो एक रिकॉर्ड है।
किरतपुर मनाली फॉरलेन पर बनेगी 4 ओ टनल अलाइनमेंट के लिए भेजा अप्रूवल। जय किरतपुर मनाली फॉरलेन प्रोजेक्ट में बिलासपुर जिला के स्वारघाट से लेकर मंडी जिला के भवाना तक 4 ओ टनलों का निर्माण किया जाएगा। भैया 4 टनल उन टनलों के साथ बनाई जाएंगी जहां मौजूदा समय में सिर्फ सिंगल टनल है। मैं इस फॉरलेन प्रोजेक्ट में स्वारघाट से लेकर भवाना तक 5 स्थानों पर टनलें बनाई गई है। मैं स्वारघाट वाली टनल पहले से ही डबल ट्यूब बनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ एक टनल को ही यातायात के लिए बहाल किया गया है, जबकि दूसरी टनल का निर्माण कार्य जारी है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर कौन जीतेगा चुनाव दंगल, जानिए क्या है पूरा समीकरण। जी, हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर शनिवार को हुई वोटिंग के बाद मतदान प्रतिशत बढ़कर 67.90 हो गया। वह लोकसभा चुनाव के बाद यह दूसरा मौका है जब हरियाणा में पार्टियों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव के दंगल को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था। हरियाणा में वैसे तो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन यहाँ दूसरी बड़ी रीजनल पार्टी भी कम नहीं है। बता दें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अपना सियासी वजूद तलाशती हुई नजर आ रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब को जीतकर खासा जोश में है। वह उसे लग रहा है कि दिल्ली और पंजाब से सटे हरियाणा में झाड़ू चलेगा और उनको हरियाणा में कई सीटें हासिल होंगी। बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही दावा कर चुके हैं कि वे चुनाव के बाद किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और उनके बिना कोई के सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल। और साथ ही आप सबों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।